लियारी में पैदा होने वाले साबिक कप्तान गुज़श्ता हफ्ते ब्रेन हैमरेज के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। स्ट्राइकर के तौर पर खेलने वाले नवाज़ ने अपने कैरियर के दौरान कई बैन अल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1974 से 1977 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के अलावा अली नवाज़ ने अबू धाबी में इमारात FC के लिए 5 साल तक प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेला। फुटबॉलर 1996 में सदर का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वसूल करने वाला भी था। 1986 से शुरू होने वाले नवाज़ 16 साल तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुतवक्की जीत ने ग्रुप 2 को और तमाम टीमों के लिए दिलचस्प बना दिया, लेकिन इसने पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर और मगर के चक्कर में फंसा दिया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का अगला मुकाबला नीदरलैंड से है। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाएंगे और ये तीनों मैचेस अब पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी हैं। एक और शिकस्त पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपसेट शिकस्त के बाद शादाब खान पवेलियन में जज्बाती हो गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जिम्बाब्वे ने 1 रन से कामयाबी अपने नाम करके बड़ा अपसेट कर दिया, जबकि पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों समेत शायकीन क्रिकेट के चेहरे पर भी मायूसी थी, जबकि कुछ तो अपने जज्बात पर भी काबू ना रख सके, जिनमें शादाब खान भी शामिल थे।